एक बार की बात है, जब महेश नाम का एक मोची अपनी पत्नी शीला और बेटी सोनी के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। महेश पेशे से एक मोची था और लोगों के जूते सिलकर वो अपने घर का खर्चा चलाया करता था। महेश की बेटी सोनी को पेट की बहुत खतरनाक बीमारी थी, जिसके ऑपरेशन के भी पैसे उनके पास नहीं थे। ऐसा कैसे चलेगा, कब तक हम ऐसे भिखारियों वाली जिंदगी जिएंगे? हमें सोनी का भी ऑपरेशन करवाना है। मुझे भी ये सब दिखता है, पर मैं क्या करूं? मैं तो सुबह से शाम तक निकल जाता हूं और पूरे दिन कड़कती धूप में बैठकर लोगों के जूते सिलता हूं। अब नहीं हो पा रही इतनी कमाई, तो मैं भी क्या करूं? अरे पर जो गांव में कमलेश भैया हैं, वो भी तो मोची हैं। उनको देखा है कितने पैसे वाले हैं। हाँ है, क्योंकि कमलेश ने नई तरह के जूते बनाना सीखा हुआ है। लोग जैसे जूते बोलते हैं, वो वैसे उनको बनाकर दे देता है, तभी लोग उसके पास जाते हैं। और हमारे पास बस फटे पुराने जूते सिलवाने के लिए लोग आते हैं। तो आप भी सीख लो ना ऐसे जूते बनाना। अरे ऐसे कैसे सीख लूं? काम करूं या जूते बनाना सीखूं? पर पता भी है कितने पैसे लगेंगे ये सब सीखने में। तो आप भी सीख लो ना ऐसे जूते बनाना। ठीक है, फिर ऐसे ही गरीबों वाली जिंदगी जीते हैं। शीला वहाँ से गुस्से में चली जाती है। महेश पहले ही परेशान होता है और अब वो और ज्यादा परेशान हो जाता है। घर का खर्च चलाना और ऊपर से रोज की लड़ाई। एक दिन महेश शहर जाने का सोचता है। वो इस बारे में शीला से बात करता है तो वो भी मान जाती है। बस फिर महेश अपना सामान लेकर शहर के लिए निकल पड़ता है। वहाँ वो एक कोने में अपनी दुकान लेकर बैठ जाता है, पर वहीं इक्का दुक्का लोग उसके पास आते हैं। महेश को समझ ही नहीं आता कि वो क्या करे। फिर महेश एक जूते की फैक्ट्री में नौकरी करने के बहाने वहाँ जूते बनाना सीखने लगता है। कुछ दिन वो नौकरी करता है, जिससे उसको पैसे भी मिलते हैं और वो जूते बनाना भी सीख लेता है। अब महेश को पूरी उम्मीद होती है कि वो कमलेश की तरह अच्छा कमाने लगेगा। महेश बहुत ही खुश होकर अपने गाँव वापस जा रहा होता है कि तभी उसकी बस का एक्सीडेंट हो जाता है। बस खाई में गिर जाती है और सभी लोग मर जाते हैं। महेश भी उसी बस में मर जाता है, पर वो मरने के बाद एक भूत बन जाता है। नहीं नहीं नहीं, मैं मर नहीं सकता। मैंने कितना कुछ किया ताकि मैं पैसे कमा सकूं, अपनी बेटी का इलाज करा सकूं। अब मेरी बीवी और मेरी बेटी का क्या होगा? अगर सोनी का इलाज नहीं हुआ तो वो तो मर जाएगी। नहीं नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। मैं उसको बचा कर रहूंगा। महेश का भूत भगवान से बहुत प्रार्थना करता है कि बस भगवान उसे ऐसी शक्ति दे दे जिससे वो अपने परिवार की मदद कर सके। भूत आंखें बंद करके बैठा रहता है कि तभी एक रोशनी उसके अंदर आती है। उसके बाद वो भूत हर चीज को छू पाता है और अपना भेस पूरे दिन में एक घंटे के लिए बदल पाता है। अब वो भूत महेश के रूप में सीधा अपने घर जाता है। पापा पापा, मैं आपका कब से इंतजार कर रही थी। चलिए मैं खाना लगा देती हूँ, आज सब साथ में बैठकर खाएंगे। सब साथ बैठकर खाना खा ही रहे होते हैं कि महेश के दिमाग में यही चलता रहता है कि उसे एक घंटे से पहले शीला और सोनी के सामने से दूर होना पड़ेगा, वरना वो उसका असली रूप देख लेंगे। देखो, अब से मैं रात को जूते बनाया करूँगा और सुबह में नौकरी पर शहर निकल जाऊंगा, तो दुकान पर तुम ही बैठना। तुम नौकरी भी करोगे? अरे पर पूरी रात जागने के बाद नौकरी करना तो नामुमकिन है। वो सब मैं कर लूंगा, हमें सोनी का इलाज जल्द से जल्द करवाना है। हाँ जी ये तो है, पर ओहो पर वर कुछ नहीं, मैं बस अंदर कमरे में जा रहा हूँ जूते बनाने, तो मुझे परेशान मत करना। महेश जल्दी से अंदर कमरे में चला जाता है। इतने में एक घंटा पूरा हो जाता है और वो भूत के रूप में आ जाता है। अच्छा हुआ अच्छा हुआ मैं वक्त रहते अंदर आ गया, वरना शीला और सोनी को सब पता लग जाता। उसके बाद वो भूत जूते बनाने का सामान निकालता है और जूते बनाना शुरू कर देता है। वो इतने सुंदर सुंदर जूते बनाता है कि ऐसे जूते कभी किसी ने देखे भी नहीं होंगे। पूरी रात में वो भूत करीब 10 जोड़ी जूते बनाकर तैयार कर देता है। पूरी रात मेहनत करने के बाद जब सुबह होने वाली होती है, उससे पहले ही वो वहाँ से निकल जाता है ताकि शीला को उसका सच पता न चल जाए। सुबह जब शीला उठती है तो वो सीधा उसी कमरे में जाती है जहाँ उसका पति जूते बनाता है। वो वहाँ जाकर देखती है कि महेश तो काम पर जा चुका है
और कमरे में बड़े ही सुंदर सुंदर जूते रखे हैं। शीला वो जूते देख एकदम दंग रह जाती है। बाप रे बाप, इतने सुंदर जूते! ऐसे जूते तो मैंने जिंदगी में कभी भी नहीं देखे। ये इन्होंने बनाए हैं, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। सच में माँ, ये बहुत ही सुंदर है। मैं भी पापा से बोलूंगी कि मेरे लिए भी सुंदर से जूते बना दे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, पर पहले पापा को शाम को आने तो दो, और अभी मुझे ये सब जूते बेचने भी हैं। शीला बस जूते लेकर बाहर बैठ जाती है। लोग इतने सुंदर जूते देखकर वहीं खड़े हो जाते हैं। अरे वाह, ये जूते तो बड़े सुंदर हैं। मेरे नाप के हैं क्या? हाँ, ये आपको आ जाएगा। कितने का है ये? ये आपको 300 का मिलेगा। ओ, 250 लगा लो तो मैं दो जोड़ी जूते ले लूंगा। बोलो। चलो ठीक है। वो आदमी शीला से दो जोड़ी जूते खरीद लेता है। उसके बाद धीरे धीरे उसके सारे जूते बिक जाते हैं और उसके पास एक ही दिन में 2500 रुपए हो जाते हैं। शीला घर जाकर पैसे गिनती और बड़ी खुश होती है। इतने पैसे तो हमें पूरे महीने में भी जाकर नहीं मिलते थे। तेरे पापा आएंगे तो बहुत ही खुश होंगे। शाम को फिर महेश घर आता है। शीला और सोनी के चेहरे की खुशी देखकर वो समझ जाता है कि सारे जूते बिक गए। शीला उसको सारी कमाई देकर बोलती है, अब आपको नौकरी करने की क्या जरूरत है, ये पैसे काफी हैं। नहीं नहीं, मुझे नौकरी करनी ही पड़ेगी। मैं वहाँ रोज नए तरह के जूते बनाना सीखता हूँ। चलो ठीक है, आप हाथ मुँह धो लो, मैं खाना लगा देती हूँ। सभी लोग साथ बैठकर खाना खाते हैं। उसके बाद महेश पहले की तरह अपने कमरे में चला जाता है और भूत बन जाता है। पूरी रात वो जूते बनाता है और इस बार वो पहले से भी ज्यादा जोड़ी जूते के बना देता है। अब सुबह होने वाली है, मुझे निकलना होगा, वरना शीला ना आ जाए। भूत वहाँ से चला जाता है। उसके बाद जब शीला उठकर आती है तो उसे महेश फिर से नहीं मिलता। वहाँ बस पहले से भी ज्यादा जोड़ी जूते रखे होते हैं। शीला उन जूतों को फिर से घर के बाहर लगाकर बेचना शुरू कर देती है। लोग एक ही बार में उसके जूते खरीद लेते हैं। पूरा दिन भी नहीं निकलता था और सारे जूते बिक भी जाते थे। ऐसे ही करते करते उनके पास अब काफी पैसे इकट्ठे हो गए थे। अब एक दिन शीला फिर से महेश को नौकरी छोड़ने के लिए बोलती है, पर महेश इस बात से भड़क जाता है। आप हमारे साथ रहते ही कितना हो, जब उठती हूँ तो उससे पहले ही आप निकल चुके होते हो, और शाम को आते हो तो बस खाना खाकर अपने काम में लग जाते हो। सोनी भी कल बोल रही थी कि पापा अब हमारे साथ रहते ही नहीं। मैं ये जो सब कर रहा हूँ ना, वो सब सोनी और तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ, ताकि इतने पैसे जोड़ दूँ कि जिंदगी भर आराम से रहो। हाँ, पर ऐसा आराम भी किस काम का जिसमें आप ही साथ ना हो। उस दिन महेश और शीला की काफी बहस होती है, पर महेश शीला की एक नहीं सुनता। वो अपने कमरे में जाकर जूते बनाने लगता है। उसी रात फिर सोनी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। उसके पेट में बड़ी तेज दर्द उठता है और वो दर्द से चिल्लाने लगती है, माँ बाबूजी बहुत तेज दर्द हो रहा है, मुझे जल्दी डॉक्टर के पास ले चलो। हे भगवान, मैं क्या करूँ, मैं अभी तुम्हारे पापा को बुला कर लाती हूँ, फिर हम सब डॉक्टर के पास चलेंगे। शीला जल्दी से महेश को बुलाने जाती है। वहाँ जैसे ही वो दरवाजा खोलती है उसके होश उड़ जाते हैं। वहाँ महेश की जगह एक भूत जूते बना रहा होता है। शीला को कुछ समझ नहीं आता कि ये कैसे और क्या हो रहा है। फिर तभी उसे सोनी के फिर से रोने की आवाज आती है। शीला जल्दी से दरवाजा बंद करके वापस उसके पास जाती है। चलो जल्दी डॉक्टर के पास चलते हैं। पर पापा? पापा को छोड़ो, अभी हम दोनों ही चलते हैं। साथ में से मैं रमेश भैया को बोल दूंगी, वो हमें ले चलेंगे। शीला अपने पड़ोसी रमेश को उठाती है और जल्दी ही सब हॉस्पिटल पहुँचते हैं। इस लड़की का ऑपरेशन हमें जल्द ही करना होगा। जी डॉक्टर साहब, आपको जो ठीक लगे। डॉक्टर सोनी को ऑपरेशन कर देते हैं और सोनी ठीक हो जाती है। शीला घर में जोड़ कर रखे पैसों से हॉस्पिटल का बिल चुका देती है। अब जब शाम को महेश घर आता है तो उसे शीला और सोनी दोनों ही घर पर नहीं दिखते। वो पड़ोस में जाकर रमेश से पूछता है तो उसे पता चलता है कि उसकी बेटी हॉस्पिटल में है। महेश जल्दी से हॉस्पिटल जाता है और अपनी बेटी से मिलता है। आप कल हमारे साथ क्यों नहीं आए पापा? मम्मी तो आपके कमरे में गई थी, पर आप ही नहीं आए। हाँ, और वहाँ जो मैंने देखा वो आप भी जानते हो, मुझे सब सच जानना है। शीला और महेश सोनी के कमरे के बाहर आ जाते हैं। जो तुमने देखा सब सच था, और वहाँ जिसको तुमने देखा वो मैं ही था। उस दिन जब शहर से वापस आ रहा था तो हमारी बस का एक्सीडेंट हो गया और सब मर गए, सबके साथ मैं भी मर गया और भूत बन गया। नहीं, ये नहीं हो सकता, आप मर नहीं सकते। यही सच है शीला,
पर मैं नहीं चाहता सोनी को इस बारे में कभी पता लगे। बस तभी एक घंटा पूरा हो जाता है और महेश शीला के सामने खड़ा खड़ा भूत में बदल जाता है और शीला को तब यकीन हो जाता है कि उसका पति महेश मर चुका है।